थोड़ी कड़वी है लेकिन जैसे कासिम अली शाह साहब मेरी बड़ी इंस्पिरेशन थे, वो सेकंड नंबर पे आप हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अदीम अशरफ, एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तकरीबन 11-12 बज चुके हैं सुबह के। आज मैं लाहौर को एक्सप्लोर करने जाने लगा हूँ जितना हो सका, और एक तो दोस्त हैं उनसे मिलने का आज प्लान है, तो उनके पास भी चलेंगे, आपको मिलवाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पर वक्त पहुँच सके। A few moments later. जी, तो मैं इस वक्त आ चुका हूँ कॉफ़ी वगैरह में, और यहाँ मेरे एक दोस्त हैं आसान भाई, उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा जी नदीम भाई आए, आपको हम कॉफ़ी पिलाते हैं, तो वो कॉफ़ी पीते हैं। इसके अलावा आसान भाई हैं, ये बागपतन में रहते हैं और बागपतन से शिफ्ट हुए हैं लाहौर में, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। अभी उनसे भी मिलवाते हैं, आपको ऑर्डर देने के लिए गए हुए हैं। A few inches later. आसान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम आपका? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ जनाब, आप मुझे मिले थे। ये है कि अल्लाह ताला आप जैसे लोगों की वजह से काफ़ी, मतलब जो मुल्क में पॉजिटिविटी है वो आप जैसे लोगों की वजह से है जनाब, मोहब्बत। आप लोग जो हैं वो इस मुल्क का सरमाया है, और ये है कि बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, हर किसी की हेल्प करते हैं, जो आपकी वजह से मोटिवेशन, मतलब लोग मोटिवेट होते हैं। मैं खुद अपनी जो ये है कि आपकी वीडियोस ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इस लोगों में, यूथ में खासतौर पे। जैसे कासिम अली शाह साहब मेरी बड़ी इंस्पिरेशन थे, तो सेकंड नंबर पे आप हैं जनाब, ये इस हिसाब से आप बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। आसान भाई ने कुछ ज़्यादा मेरे बारे में कह दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, ये सिर्फ अता की वजह से है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मियाँ हम पे ऐसी सब पे करम करे, और सब पे जो करम होता है वो खुदा की रहमत से होता है। तो हमारे साथ कॉफ़ी आ चुकी है, इसे हम ट्राई करते हैं। अच्छा टेस्ट है, थोड़ी कड़वी है लेकिन एक दो बार पियेंगे ना फिर आदी हो जाएंगे। A few minutes later. अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं मून मार्केट, और शवार भाई मुझे लेकर आए कि यहाँ ना सिकंदर टिक्का चावल बहुत मशहूर है। यार इसका मैंने पहले टेस्ट किया, बहुत जबरदस्त टेस्ट है। अच्छा, सिकंदर टिक्का हाउस है मून मार्केट में, अच्छा। काफी मशहूर है, आप खाओगे बहुत मजा आएगा। चले जी ट्राई करते हैं और फिर आपको रिव्यू बताते हैं जी, कहाँ है, कैसा खाना है। हमारे पास टिक्का भी आ चुका है और कबाब भी आ चुका है, और रायता और रोटियां भी। क्या बात, कमाल, स्पाइसी स्पाइसी। शवार भैया पहली बार लिया, बहुत जबरदस्त यार, वाकई। मैं बयान नहीं कर सकता, इतना मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। आप मेरी फीलिंग को महसूस कर पा रहे होंगे, कितना ज़बरदस्त, लाजवाब। अलग सा टेस्ट है बिल्कुल, मैंने बहुत सी जगह से खाया लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। 7 आप आ चुकी है इसके साथ साथ। तो खाना हमने खा लिया, बहुत ज़बरदस्त था। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप आए हैं सिकंदर टिक्का शॉप पे और इसको टेस्ट करें, यकीनन आपको मज़ा आएगा खाकर। अगर आप अपने ब्रांड की प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और हम पहुँचेंगे आपकी शॉप पर और आपके ब्रांड की प्रमोशन करेंगे। नदीम भाई कैसा लगा फिर? अल्हम्दुलिल्लाह यार, शवार भी बहुत ज़बरदस्त है।
मज़ा आया, यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आपको विजिट करवाते रहेंगे जितने भी मज़े मज़े लजीज खाने हैं लाहौर के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, खाना खाने के बाद अब हम आए हैं प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब। गुमान नहीं किया था कि हम बाग पतन से उठेंगे और लाहौर प्रेस क्लब, क्योंकि यहाँ इजाज़त नहीं होती इतनी जल्दी आप घुस सकें। अभी हमने चाय पी प्रेस क्लब लाहौर में और ये मेरी पहली चाय है प्रेस क्लब लाहौर में। बड़ी खुशकिस्मती की बात है, यहाँ अलाउ नहीं है इतनी जल्दी कि आप प्रेस क्लब में इंटर हो सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अशदाद भाई की रेफरेंस से हम यहाँ आए और इंशाल्लाह एक दौर होगा जब हमें प्रेस क्लब बड़े अच्छे तरीके से जानेगा। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नदीम अशरफ को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।